भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को बंगाल के जादवपुर में रैली की मंजूरी नहीं मिलने के बाद भाजपा ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। स्थानीय प्रशासन ने अमित शाह के चॉपर को लैंड करने और रैली करने की इजाजत नहीं दी है। इस पर भाजपा ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है और बंगाल में तानाशाही चल रही है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तानाशाही चल रही है। आज हमारे अध्यक्ष की रैली जादवपुर में थी। कई दिन पहले हमने अर्जी लगाई और कल रात 8 बजे इजाजत के लिए मना कर दिया और कोई कारण नहीं बताया गया। ये लोकतंत्र की हत्या है। चुनाव आयोग को खुद संज्ञान लेना चाहिए। अगर चुनाव में बड़े नेता रैली नहीं करेंगे तो चुनाव का क्या मतलब है? किसी को बंगाल में आने नहीं देंगे, ये चुनाव आयोग के अधिकारों का उल्लंघन है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तानाशाही चल रही है। आज हमारे पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी की जाधवपुर में रैली थी। हमने अर्जी 4-5 दिन पहले लगाई थी, लेकिन कल तक परमिशन देंगे ऐसा कहते रहे और कल रात 8:30 बजे बताया कि अब इजाजत नहीं देंगे। कोई कारण नहीं, कोई वहां हिंसा नहीं हुई है, ना कोई कुछ हुआ है। जो किया चुनाव में वो तृणमूल के लोग हिंसा करते हैं, लेकिन शहर तो चल रहा था तो भी इस रैली को इन्होंने इजाजत नहीं दी। फिर हेलीकॉप्टर उतरने की परमिशन दी थी तो हमारे लोगों ने सोचा हेलीकॉप्टर उतारेंगे, लेकिन कल रात 11:30 बजे हेलीकॉप्टर की परमिशन भी मना किया। ये लोकतंत्र की हत्या है। चुनाव आयोग को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। अगर चुनाव में प्रमुख नेताओं की रैलियां भी नहीं करने देंगे तो फिर चुनाव क्या मतलब है? आपका हेलीकॉप्टर नहीं उतरेगा, प्रधानमंत्री जी का हेलीकॉप्टर नहीं उतरेगा, अध्यक्ष जी के पहले 2 बार हुआ है हेलीकॉप्टर नहीं उतरेगा, अन्य नेताओं को आने नहीं देंगे, कोई किसी को रोकेंगे कलकत्ता में ही, किसी को गिरफ्तार करेंगे, ये क्या है? ये तानाशाही है, ये लोकतंत्र है, ये चुनाव आयोग के अधिकारों का पूरा उल्लंघन है और चुनाव आयोग को एक मूक प्रेक्षक बनाने की साजिश है। लोकतंत्र में उनकी बिल्कुल आस्था नहीं है, क्योंकि उनको एहसास हो गया है ममता जा रही है, बीजेपी आ रही है। ऐसे ही मुंबई, महाराष्ट्र और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए आपका न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना।